आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, कथन में बोला गया है फ्लोरीन में कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था विद्यमान नहीं रह सकती है। तो बिल्कुल सही बोला गया है। चलिए कैसे नहीं हो सकता वो भी देख लेते हैं। तो पहली बात, फ्लोरीन कौन सा वर्ग का तत्व है? ये वर्ग संख्या 18 का तत्व है। सॉरी 18 बोल रहे हैं, वर्ग संख्या 17 का तत्व है। इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन सदस्य कहा जाता है। इसका एक नाम है हैलोजन सदस्य। हैलोजन सदस्य, हैलोजन सदस्य के नाम से ये जाना जाता है। और इनमें मुख्य मुख्य हैलोजन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे मुख्य मुख्य हैलोजन है। तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आकार बढ़ता है, ठीक है। तो आकार सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का होगा। और सबसे कम किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, ठीक है। तो देखिए, फ्लोरीन का अगर हम विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p, चार हो गया 2p5, ये होता है। इसमें डी कक्षक नहीं होता है, डी कक्षक अनुपस्थित होता है। डी कक्षक अनुपस्थित मतलब ये उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। डी कक्षक अनुपस्थित है। और जब ये डी कक्षक अनुपस्थित होता है, इसके वजह से इसकी सहसंयोजकता फ्लोरीन की सहसंयोजकता कितना होगा? एक होगा। लेकिन बाकी सारे तत्वों में डी कक्षक उपस्थित होता है, डी कक्षक है, डी कक्षक है। और डी कक्षक हो जाने की वजह से इन बाकी तत्वों की सहसंयोजकता की बात करें, सबकी सहसंयोजकता क्या क्या हो सकती है? तो 1, 3, 5 और 7 सब हो सकती है, चारों हो सकती है। लेकिन फ्लोरीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सहसंयोजकता हो सकता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का बहुत ही उच्च होता है, उच्च होता है। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है। तो उच्च होने के वजह से संयोजकता सहसंयोजकता एक तो होगा, लेकिन माइनस एक ही विद्यमान होगा। इस पे कोई प्लस नहीं होता है, इस पे कोई धनात्मक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा। और माइनस में भी क्या? एक, क्योंकि सहसंयोजकता एक है और विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, तो माइनस एक ही विद्यमान होगा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।